नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। पेश है आज का न्यूज बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ कविता सिंह और मैं दामिनी कपूर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हिमाचल को कोरोना के दो और झटके, हमीरपुर और नूरपुर में दो युवक निकले पॉजिटिव। कोरोना के शिकार पिता की लाश के पास फूट फूट कर रोया बेटा, शव को नहीं लगा पाया हाथ। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में 31 मई तक छुट्टियां, शिक्षा निदेशक ने जारी किए आदेश। हिमाचल हाई कोर्ट में सोमवार से शुरू होगा काम, पहले दिन सजेगी मुख्य खंडपीठ। किरायेदार को हरगिज तंग ना करे मकान मालिक, डीजीपी बोले प्रदेश में 3 मौतें हमारे लिए चौकन्ना रहने का संकेत। बारिश और तूफान से छूटा हिमाचल का पिंड, अब हफ्ता भर गर्मी ढाएगी सितम। और हिमाचली खिलाड़ियों ने मनवाया हुनर का लोहा, प्रदेश की 4 बालाएं पटियाला में सीखेंगी वुशु की बारीकियां। अरब समाचार विस्तार से। कोरोना ने हिमाचल को शनिवार को 2 जोर के झटके दिए। हमीरपुर और कांगड़ा के नूरपुर में 2 युवक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ताज़ा मामले में हमीरपुर के बड़सर उपमंडल के दांदरू पंचायत के तेज गांव में मुंबई से लौटा 36 साल का युवक संक्रमण का शिकार पाया गया। 2 साथियों के साथ 13 मई को मुंबई से टैक्सी के जरिए घर पहुंचे युवक को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया गया था, जहां से 14 मई को उसके सैंपल लिए गए थे। कोरोना संक्रमित युवक को जिला कोविड केयर सेंटर भोटा भेजा गया और युवक के साथ टैक्सी में आए दोनों लोगों की शिनाख्त हो गई है। वहीं दूसरे मामले में कांगड़ा के नूरपुर तहसील के मलेड़ गांव का 30 साल का युवक कोरोना पॉजिटिव निकला। बताया जा रहा है कि युवक 8 मई को गुरुग्राम से लौटा था और शनिवार को आई रिपोर्ट में यह खौफनाक वायरस के संक्रमण का पीड़ित पाया गया। इन दोनों मामलों से शनिवार को प्रदेश भर में हड़कंप मच गया। खतरनाक कोरोना वायरस का शिकार हुए हमीरपुर के गलोड़ के 52 साल के शख्स का बेटा अपने पिता के शव को हाथ तक नहीं लगा पाया और फूट फूट कर रोता रहा। शनिवार को सुकेती खड्ड किनारे पूरे सम्मान से पार्थिव देह का अंतिम संस्कार किया गया। मंडी और हमीरपुर जिला प्रशासन के अफसरों की मौजूदगी में बेटे शुभम कुमार ने PPE किट पहनकर नम आंखों से पिता की चिता को मुखाग्नि दी। बता दें कि गलोड़ का यह शख्स 6 मई को दिल्ली से परिवार के साथ गांव लौटा था और घर पहुंचते ही बीमार हो गया था। दिनों दिन बिगड़ती हालत को देखते हुए उसे हमीरपुर मेडिकल कॉलेज भर्ती करवाया गया था, जहां से उसका कोरोना का सैंपल लिया गया था और 9 मई को ही उसमें संक्रमण की पुष्टि हुई थी। राधा स्वामी चैरिटेबल अस्पताल भोटा के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती अधेड़ की पिछले 2 दिन से हालत नाजुक बनी हुई थी। शुक्रवार को सांस लेने में ज्यादा दिक्कत होने के बाद अधेड़ को नेरचौक मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां पहुंचते एम्बुलेंस के अंदर ही उसकी मौत हो गई थी। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। HPMC लाई है सस्ते दामों पर शुद्ध उत्पाद सिर्फ आपके लिए, जो कि रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएगा, हर जन को स्वस्थ बनाएगा। स्वस्थ हिमाचल HPMC का उद्देश्य। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हिमाचल के सभी सरकारी स्कूलों में सोमवार से 31 मई तक छुट्टियां रहेंगी। शनिवार को उच्च शिक्षा निदेशक अमरजीत सिंह ने इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार स्कूलों में अब 31 मई तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। कोरोना के कहर से बंद पड़े स्कूल यदि खुलते हैं तो फिर आगे छुट्टियां नहीं होंगी। बता दें कि प्रदेश भर में अभी कोरोना के कर्फ्यू की वजह से स्कूलों में बच्चों को छुट्टियां हैं और अध्यापक ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, पर अभी सरकार ने सारी चीजों का विश्लेषण करने के बाद 18 से 31 मई तक आधिकारिक रूप से छुट्टी की घोषणा कर दी है। इससे अब बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगाई जाएंगी। कॉलेजों में भी 10 जून तक छुट्टियां कर दी गई हैं। अब रुकते हैं एक संदेश के लिए। लोकल के लिए वोकल बने, लोकल खरीदें और लोकल पर गर्व करें। कोरोना के महासंकट के कारण बंद पड़े कामकाज को निपटाने के लिए हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट सोमवार से सुनवाई शुरू कर देगा। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल वीरेंद्र सिंह की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक मुख्य खंडपीठ और खंडपीठ नंबर 2 अदालत में बैठेगी। एक नंबर खंडपीठ में न्यायाधीश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामलों की सुनवाई करेंगे। इसके अलावा एकल पीठ 1, 3, 5 और 8 भी अदालत में बैठेगी।
जबकि बाकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामलों की सुनवाई करेंगी। आदेशों में ये भी कहा गया है कि जो पीठें सोमवार को अदालत में बैठेंगी वे मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करेंगी। कोरोना के महासंकट के बीच मकान मालिक किरायेदार को हरगिज तंग ना करें, यह हिदायत हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक सीताराम मरड़ी ने दी है। डीजीपी ने कहा कि संकट की इस घड़ी में कई लोगों की नौकरी चली गई है और उन्हें रोटी के लाले हैं। ऐसे में मकान मालिक संयम रखें। ये हमारे ध्यान में आया है कि कुछ एक मकान मालिक टेनेंट्स को तंग कर रहे हैं और एडवांस रेंट मांग रहे हैं और यहाँ तक है कि एक साल तक का एडवांस भी मांग रहे हैं। ये सही नहीं है। इस वक्त लोग स्ट्रेस में हैं और परेशान हैं। कईयों ने नौकरी खो लिया, कईयों ने तनख्वाह नहीं ले पा रहे और इस हालात में इस तरह का डिमांड करना सही नहीं है। मैं मकान मालिकों से अनुरोध करता हूं कि वे लोगों का दुख तकलीफ इस हालात में समझे और ऐसा ना करें। डीजीपी ने कहा कि सुनने में आ रहा है कि कुछ मकान मालिक किरायेदार से एक साल का एडवांस मांग रहे हैं। ऐसे लोग संभल जाएं और इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दें। इसके साथ ही साथ पुलिस महानिदेशक ने लोगों से होम क्वारंटाइन पीरियड का पूरी तरह से पालन करने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना से अब तक 3 मौतें हो चुकी हैं, जो कि हमारे लिए और ज्यादा सतर्क रहने का संकेत है। बारिश, आंधी, तूफान और ओलों की मार से आज इस हिमाचल में अब गर्मी पसीना पसीना करने वाली है। प्रदेश में अगले पूरे हफ्ते 22 मई तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान लगाया है। इस दौरान तापमान में उछाल आएगा और गर्मी सितम ढाएगी। इसी बीच शनिवार को ऊना का पारा 37 डिग्री सेल्सियस के पार हो गया। वहीं कांगड़ा, हमीरपुर, सुंदरनगर और नाहन में भी लोगों को प्रचंड गर्मी की मार झेलनी पड़ी। इससे पहले प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में दिन भर मौसम साफ रहा और तेज धूप खिली रही। मौसम विभाग के सूत्रों ने बताया कि आने वाले दिनों में हिमाचल में गर्मी जमकर निचोड़ने वाली है। हिमाचल के खिलाड़ियों ने देश भर में एक बार फिर अपनी सफलता की पताका लहराई है। भारतीय खेल प्राधिकरण पटियाला के वुशु प्रशिक्षण केंद्र में देश भर से सिलेक्ट 6 खिलाड़ियों में से 4 हिमाचल की हैं। वहीं राजस्थान और उत्तर प्रदेश की एक एक राष्ट्रीय खिलाड़ी को केंद्र में ट्रेनिंग के लिए जगह मिली है। खिलाड़ियों को 18 साल की उम्र तक फ्री आवासीय शिक्षा और प्रशिक्षण मिलेगा। हिमाचल प्रदेश वुशु खेल संघ के महासचिव PN आजाद ने बताया कि चयनित खिलाड़ियों में बिलासपुर की दिया शर्मा, सांची और मन्नत हैं। वहीं कुल्लू की आकृति को भी दाव पेंच सीखने का मौका मिलेगा। और अब चलते चलते मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुंडू और रेरा के अध्यक्ष श्रीकांत बाल्दी होम क्वारंटाइन। जवाली के फतेहपुर से सटे पौंग में तैरती मिली मछुआरे की लाश, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ऊना के गगरेट में पानी के टैंक में डूबने से बच्चे की मौत, यूपी के परिवार पर टूटा मुसीबतों का पहाड़। और बिलासपुर में पुलिस कांस्टेबल पर दुराचार का आरोप, नेपाली मूल की महिला ने बरमाना थाना में दर्ज करवाया मामला। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं नाटी किंग कुलदीप शर्मा की यह पेशकश।
दिव्य हिमाचल और देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी। शुभ रात्रि, कल सुबह फिर मिलेंगे गुड मॉर्निंग हिमाचल में।